हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेरेफ कुकिंग। तो आ गई हूँ मैं फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सी चिकन की रेसिपी लेकर। इसको बनाना इतना आसान है कि बस मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। और इसको बनाने में ना तो हम ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, किसी भी पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे। और इसका जो आउटपुट निकलेगा ना, वो सब आप जब खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने मज़े का बनता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। उससे पहले मेक श्योर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। सबसे पहले हमने वॉक को गर्म कर लेना है, और उसके बाद उसमें ऐड करना है 6 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहें तो 4 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून भी ले सकते हैं, लेकिन इससे कम ना लीजिएगा। और जब ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है इसमें 2 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची काली वाली, 1 तेज़पत्ता और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरा। अब इसको हम 10 सेकेंड तक सौते करेंगे, और जैसे ही ये जितने भी खड़े मसाले हमने इसमें ऐड किए उसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए ना, तब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उसको कुछ इस तरह से चॉप करके मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, इसको हम अब ब्राउन करेंगे, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आया प्याज पे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप प्याज को इससे ज़्यादा बिल्कुल भी फ्राई नहीं कर, इससे कम फ्राई रहेगी तो प्याज चल जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा फ्राई हो गई ना तो वो सारा का सारा टेस्ट ख़राब हो जाना है इस डिश का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हल्का सा गोल्डन ब्राउन प्याज हुई है, तभी मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। यहाँ पे 1/2 kg चिकन ऐड किया है मैंने। अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए ना आपने क्या करना है कि फ्लेम बिल्कुल हाई पे रखना है और इसको फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक कि चिकन का कलर जो है ना वो चेंज नहीं हो जाता। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात है कि आप इस तरह से हाई फ्लेम पे जब चिकन को फ्राई करेंगे ना, तो एक जो टिपिकल मीट वाली स्मेल होती है, या फिर चिकन की आप कह लें, चिकन की जो एक टिपिकल स्मेल होती है, वो काफ़ी हद तक चली जाती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम चिकन को फ्राई करते जा रहे हैं, तो जो चिकन की ऊपरी लेयर है ना, वो थोड़ा सा सफ़ेद सी हो गई है। इस तरह से भूनने से 2 फायदे हैं। एक तो जो मीट की टिपिकल स्मेल होती है वो चली जाती है, और दूसरा ना चिकन बहुत जूसी जूसी सा बनता है। अब 5 से 7 मिनट तक चिकन को हाई फ्लेम पे फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। 3 टीस्पून मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। अब यहाँ पे आपने हरी मिर्चें अपने हिसाब से लेनी है। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतनी हरी मिर्चें लें, ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा सा पानी के साथ उसका पेस्ट बना लें, और उसके बाद इसमें ऐड कर दें। ठीक है, अब लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे ही हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि जो कच्चेपन की स्मेल होती है ना, वो लहसुन अदरक और हरी मिर्चों की, वो चली नहीं जाती। 20 से 30 सेकंड लगेंगे इसको आपको भूनते हुए, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ के लेमन का जूस। ये जो लेमन का जूस आप ऐड करेंगे ना, इससे आपकी जो डिश है उसमें एक ट्विस्ट आ जाएगा, एक तरीके से कह लें आप। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लें, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब देखें लहसुन अदरक के कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो गई, हमने उसको फ्राई कर लिया। उसके बाद, उसके तुरंत बाद ही हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, आपके ये कह लें कि बिल्कुल दम वाली आग अपने कर लेनी है। अब इसको हम दम वाली आग पे ही रख के 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। हो सकता है कि आपका चिकन 10 मिनट में भी गल जाए, और हो सकता है कि आपको 15 मिनट भी लग सकते हैं, तो ये आपके चिकन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और 10 मिनट में 1 या 2 बार खोल के ज़रूर उसको चेक कर लें, चला लें, और उसके बाद फिर से उसको कवर कर लें। अब यहाँ पे मैं आपको जो पिक दिखा रही हूँ वो 10 मिनट के बाद की है, लेकिन पहले मैंने एक बार खोल के चेक कर लिया था। देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं कि वो अच्छी तरह से गला है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें चिकन कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद, और इसको हम निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। इससे पहले आपको एक और टिप मैं बता दूँ इस रेसिपी की, कि आपने इसको 10 मिनट के लिए जब बंद करना है, उसके पहले इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं करना है। अगर आपने पानी ऐड किया ना, तो फिर वो टेस्ट नहीं आ पाएगा जो कि आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है, और कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो डिश देख के ही मुंह में पानी आ जाए, आप सोचे कि खाने में कितनी मज़े की होगी। और ट्रस्ट मी, आप बनाएंगे ना तो आप सब मुझे थैंक्स ज़रूर बोलेंगे इतनी मज़े की रेसिपी के लिए। और आपने देखा भी कि कितना आसान है इसको बनाना, और देखा आपने कितना आसान है बनाना, और ज़्यादा कोई इन्ग्रीडियंट भी नहीं है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, ये रेसिपी मस्ट ट्राई रेसिपी है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप सब बनाते हैं तो कैसी बनती है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आप कर लेते हैं इस वीडियो को एंड। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपीज को देखने के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।